ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष के बारे में। लोगों को अपनी याददाश्त बढ़ानी होती है तो कौन सा रुद्राक्ष पहनने से याददाश्त बढ़ती है, ये बच्चों को भी आप पहना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, अधिक परिश्रम करने के बाद भी रिजल्ट ठीक नहीं आता है, या बच्चा पढ़ने में होशियार तो है लेकिन उसका जो ध्यान है पढ़ाई में नहीं लगता है। तो यदि आपके बच्चे के साथ ये समस्याएं हैं तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गणेश रुद्राक्ष इन सभी समस्याओं का एकमात्र आसान उपाय है। ज्योतिष के अनुसार पढ़ाई में सफलता के लिए बुध ग्रह का अनुकूल होना बहुत आवश्यक होता है। बुध ग्रह यदि अनुकूल हो तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि से युक्त होता है तथा सामान्य प्रयास करने पर भी बेहतर परिणाम पा सकता है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से बुध ग्रह अनुकूल फल देने लगता है। गणेश रुद्राक्ष अध्ययन के प्रति एकाग्रता में वृद्धि करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है तथा लेखन की शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसके प्रभाव से सामान्य क्षमता वाले विद्यार्थी भी बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे कैसे और कब धारण करें वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे गाय के कच्चे दूध तथा गंगाजल से धो लीजिए तथा उसका पूजन करें। इसके पश्चात गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में धारण करना चाहिए। अभी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में जिस बुधवार को स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन गणेश रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।